दिमाग। अच्छा तो आपको मैं बता दूं सर, पतला सा कमजोर सा आदमी भी अच्छी पोस्ट में बैठ जाए ना सर, बड़े बड़े मोटे मोटे भी उससे रिएक्शन चेंज, आप सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। इतनी सी मेरी बात एक ध्यान रखूंगा, पूरे वर्ल्ड में हो जाती है तो उस शेयर की प्राइस भी बढ़ना लाजमी है सर। उतार चढ़ाव आएंगे, शेयरों में उतार चढ़ाव तो आएंगे सर। टाटा पावर बढ़ रहा है फिर नीचे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल और सुजलोन एनर्जी की। सर इस वीडियो को सर इस तरह से देखिए कि आपको इससे कोई नॉलेज मिल रही है और जो फ्यूचर में आने वाला है जमाना ग्रीन एनर्जी का, उसको देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है, उसको ही आपको अपने दिमाग में बिठाना है। इतनी सी सर बात है, लोगों के टारगेट के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि जो काम होता है उस काम के अनुसार ही कोई एक इंसान अच्छा बनता है, और जो वो काम होता है वो ही कंपनी को एक अच्छा बनाता है। तो सबसे पहले जो इनका काम है सर, आपको पता ही आने वाले समय जो है ग्रीन एनर्जी का है, और चारों तरफ आपको पहले भी बताया था मैंने कि पावर की चर्चा है। टाटा पावर आपको 200 से पार करता हुआ दिख गया है और हर जगह आपको ग्रीन एनर्जी का नाम लिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। जब एक जरूरत पूरे वर्ल्ड में हो जाती है तो उस शेयर की प्राइस भी बढ़ना लाजमी है, भले वो थोड़ा देर से बढ़े। तो बात करते हैं सबसे पहले सुजलोन एनर्जी की। विंड टर्बाइन में ये काम करती है, पांचवा स्थान ये वर्ल्ड में रखती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका जो फ्यूचर है सर, हर जगह आपको मैंने पहले भी बताया था, न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज़ देख लो और चारों तरफ टीवी में देख लो, तो आपको बड़े बड़े जो पंखे दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं विंड टर्बाइन, और उसके चक्कर में ही हम इस शेयर को लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा स्रोत है पावर के लिए जो हमें एक दिशा देगा, और इस दिशा के अनुसार ही हमने इसके काम के अनुसार ही इसको सिलेक्ट किया है। तो सर जो काम होता है सबसे पहले उसको लेकर चलना है। ज़रूरत बन गया है सबकी पावर यानी कि ग्रीन एनर्जी, वो ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड की, और जब ज़रूरत पूरे वर्ल्ड की हो चुकी है तो इसमें आपकी होल्डिंग बनती बनती है, इतना ध्यान रखना। शेयरों में सर उतार चढ़ाव आएंगे, शेयरों में उतार चढ़ाव तो आएंगे सर। टाटा पावर बढ़ रहा है फिर नीचे गिर रहा है। IRCTC को देख लो, कभी 1000 कभी 800 नीचे गिर रहा है, जो बढ़ेगा भी वो नीचे भी गिरेगा, इतना बात ध्यान रखना सर। लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो सुजलोन एनर्जी को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये वाले देश का नहीं विदेशों का भी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करके देगा विंड टर्बाइन, और वो फिर आपको इस शेयर में नज़र जरूर आएगा। देखो सर, थोड़ी थोड़ी मार्केटों में गिरावट आती जा रही है, हल्की हल्की गिरावटें मार्केट में आती जा रही है, और शेयर प्राइस थोड़ा सा 5-10% नीचे आता रहता है, उसके चक्कर में अगर आपने दिल को तोड़ लिया, वो जो तोड़ते हो दिल को बार बार और अपने शेयरों को अपने हाथों से निकाल देते हो, उसको आप बंद कर दो बस। आप बिल्कुल बंद करो, अगर आपको पता है किसी कंपनी का काम अच्छा है तो उस काम को देखो और सबकी बातें सुनना बंद करो। इतनी से मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर। सबसे पहले सर अच्छा बनने के लिए अपने रिएक्शन चेंज करो, पहले आप खुद को बदलो फिर दुनिया को बदलने की कोशिश करना। अगर आप दुनिया को बदलने में लग गए सर, आप दुखी हो जाओगे। सबसे पहले रिएक्शन चेंज, आप सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। इतनी सी मेरी बात एक ध्यान रखना, आप खुद को खुश कर सकते हो सर, दुनिया को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है हमने। खुद को खुश करो और खुद को खुश करके ही डिसीजन अच्छे बनाओ। जब आप खुद खुश हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो, तो फिर आपको समझ भी एक ऐसी आ जाती है, ऐसी डेवलप समझ हो जाती है कि जो आप शेयर ले रहे हो वो आप काम देख कर लेते हो। तो मेरी बात सुनो सर, बदलो पहले, और जो लालच अपने दिमाग में होता है उसको बाहर निकालो, काम के अनुसार ही शेयरों को लेना शुरू करो, और फिर देखो तुम कितनी तरक्की पर शेयर आपको मिलेंगे। होल्ड करो बस फिर। तो अगर आपको काम समझ में आया है, अच्छा काम है, फ्यूचर काम है, तो आप उसको होल्ड करना चाहिए। तो बात करते हैं सर ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल भी सर आपको मैं बता दूं, अच्छा एक शेयर है जो आपको टू व्हीलर में, सोलर पैनल में, स्ट्रीट लाइट जो लगती है उसमें, और छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, उसको ये अच्छी तरह से बना रहा है, और ये फोर व्हीलर में भी कदम रख रहा है। छोटी कंपनी है लेकिन काम अच्छा है, समझो
छोटा आदमी है, दिमाग अच्छा है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। छोटा छोटा आदमी कद से नहीं होता, छोटा आदमी पैसों से नहीं होता, छोटा आदमी अपने दिमाग से होता है। अगर दिमाग छोटा तो आदमी छोटा, अगर दिमाग अच्छा तो आपको मैं बता दूं सर, पतला सा कमज़ोर सा आदमी भी अच्छी पोस्ट में बैठ जाए ना सर, बड़े बड़े मोटे मोटे भी उससे घबरा जाते हैं। तो काम पर ध्यान दीजिए और ऊर्जा ग्लोवर को काम के अनुसार खरीदिए। टारगेट अगर आपको कोई बता दे 500 का, उसकी बातों को बिल्कुल भी ना सुनिए, काम पर ध्यान दीजिए। और ये चैनल जो बना ना सर, आपको छोटी छोटी बारीकियों से समझाने के लिए बना है, उस पर आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ये बात जरूर ध्यान रख लेना सर। ऊर्जा ग्लोवर भी आपको आने वाला टाइम का एक मल्टीबेकर बनेगा, मना नहीं कर रहे हैं, बनेगा। लेकिन जो ये सो प्राइज होते हैं जो आपको बता दिए जाते हैं टारगेट 500, 700, 800, उसे देखकर तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप बार बार उसको लोगे और फिर शेयर प्राइस नीचे आएगा, फिर उसे आप बेच दोगे। तो टिके रहें, टिकने का जो चीज़ होती है किसी शेयरों में, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। और सुजलोन एनर्जी में अच्छी अच्छी सी न्यूज़ आती जा रही है और इस शेयर प्राइस को ऊपर जरूर ले जाएगी। और ये जो शेयर प्राइस है न्यूज़ की वजह से नहीं चलेगा, ये चलेगा काम की वजह से, और ये काम इसका बहुत अच्छा है। आपकी सर अगर आपको शेयरों में अच्छी चीज़ें करनी है, यानी कि जो भी आप शेयर लोगे उसको आप ग्रीनता की ओर देखते हो, तो आपकी जो एक भक्ति होती है सर, उस भक्ति के अनुसार ही आप अपने को शक्ति दे सकते हैं। लेकिन वो भक्ति आपकी रियल होनी चाहिए, जौन से भी आप भगवान खुदा को मानते हो, उसकी जो एक भक्ति होती है ना सर, उस भक्ति को आप अच्छी तरह कर लो। ये नहीं कि सर शेयर है बेकार, काम उसका बेकार है, आपने उस पर भक्ति लगा दी ना। शेयरों पे भी भक्ति लगती है। अगर कोई शेयरों को आपको ख़रीदना है, उसको समझना है, तो उसको जो समझने की जो आपकी थिंकिंग है सही डायरेक्शन पे होनी चाहिए। एक सही दिशा पे अगर आपने शेयरों को लिया तो आपकी भक्ति कामयाब है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास बैठ गया, भक्ति करनी शुरू कर दी, चिमटा बजाना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी भक्ति नहीं सर। दिल से भक्ति तो आपके शेयरों में भी उस भक्ति का असर पड़ेगा, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको सिर्फ डिलीवरी में काम करना चाहिए और बाकी आपको जो समझ हो वो आप करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी में काम कीजिए और अपनी मनी को डबल से डबल कीजिए। और सुजलोन एनर्जी में मोटिवेशन एक ये वीडियो है, इसे काम के अनुसार लीजिए और ऊर्जा ग्लोवर के प्रोडक्ट के अनुसार ऊर्जा ग्लोवर को खरीदिए। छोटी छोटी बातों में सर आना नहीं है, लोगों की बातों में गुमराह नहीं होना है, सिर्फ काम के अनुसार ही शेयरों को लेना है। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।